हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टिक ट्रैकिंग पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और न्यू अमेजिंग वीडियो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ओके, आप लोग में से बहुत कोई होंगे जो चाहते होंगे कि मेरा जीमेल अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाए, या आप लोग गलती से कोई जीमेल अकाउंट बना लिए होंगे, आप लोग चाहते हो कि वो जीमेल अकाउंट डिलीट हो जाए परमानेंटली, पर आप लोग नहीं डिलीट कर पा रहे होंगे। तो आज मैं उसका उपाय लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना जीमेल ओपन कर लें। जीमेल ओपन करने के बाद आप अपना अकाउंट चूज़ कर लें जो आपको अकाउंट डिलीट करना है। देखिए, जब मेरा ये अकाउंट है जो डिलीट मी अकाउंट, ओके, सो मैनेज योर गूगल अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे आप जाइए डाटा एंड पर्सनलाइज में। अब देखिए यहाँ नीचे आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे आएगा कि डिलीट अ सर्विस और योर अकाउंट। ओके, ये ऑप्शन है डाउनलोड डिलीट और मेक अ प्लान फॉर योर डाटा, ये नीचे पे आएगा आपको। तो यहाँ आपको है डिलीट अ सर्विस और योर अकाउंट, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए अब आप यहाँ पे सर्विस नहीं, बहुत को यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, डिलीट डाटा कर देते हैं या सर्विस। ओके, तो आपको यहाँ डिलीट योर गूगल अकाउंट जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है, डिलीट योर गूगल अकाउंट। ओके, तो अब मैं इस पर टैप कर रहा हूँ डिलीट योर अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ डाल दीजिएगा। ओके, बात यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आपका यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पे सारा टर्म्स एंड कंडीशन को ये अप्लाई ओके कर दीजिए। अब देखिए डिलीट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। आपका यहाँ देखिए ऊपर दिखा दे रहा है कि आपका जो भी डाटा या कुछ भी रहेगा वो सब डिलीट हो जाए। देखिए यहाँ पे आप आ भी गया, योर गूगल अकाउंट एंड ऑल इज डाटा हैव बीन डिलीटेड। ओके, अगर आप इसको गलती से भी डिलीट कर दिए तो आप इसको आप वापस से ला सकते हैं शॉर्ट कुछ टाइम के लिए। ठीक है, आप इसको रिकवर कर सकते हैं कुछ टाइम के बाद, अगर आप जैसे गलती से आप डिलीट कर दिए। ओके, सो अब देखिए मेरा ये अकाउंट डिलीट हो गया है। ठीक है, तो अब मैं वापस चला जाता हूँ। अब आप यहाँ से सब चीज़ हटा दीजिए पहले। अब देखिए अपना जीमेल खोलिए, आपको देखिए शो होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर अभी शो होगा, देखिए यहाँ पे अभी शो हो रहा है। अगर आप मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोलेगा फिनिश साइन इन टू कंटिन्यू। ओके, मतलब ये अकाउंट आपका डिलीट हो चुका है। ओके, सो आप इसको अपना फ़ोन से हटाइए। कैसे, आप सेटिंग पे जाइए। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे सबसे आइएगा। नीचे में आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा एक, आपको यहाँ पर एक हाँ अकाउंट्स एंड बैकअप पे जाना है, और मैनेज अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखिए आपका जो अकाउंट है, देखिए आप यहाँ पे अपना अकाउंट ढूंढ लीजिएगा कौन सा है। देखिए जैसे डिलीट मी है, ओके, यहाँ पे आ रहा है, आप इसको पे क्लिक कर दीजिए। और अब देखिए यहाँ पे रिमूव अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे रिमूव अकाउंट का ऑप्शन है, कंटिन्यू। ओके, सो अब आपका अकाउंट जो है रिमूव हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि अकाउंट आ रहा है कि नहीं। देखिए आप जीमेल खोल लेते हैं। मैं देखिए अब मेरा अकाउंट यहाँ पे नहीं आ रहा है। ओके, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना जीमेल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो अब ये कुछ दिनों के बाद ये मतलब डिलीट हो जाएगा, मतलब वो कुछ प्रोसेस होता है। ओके, सो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।